सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 6 की पलाश हिंदी व्याकरण शुरू करने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है शब्द विचार। देखिए, पिछले अध्याय में हम भाषा और वर्णों का अध्ययन कर चुके हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द का निर्माण होता है, जैसे पुस्तक, भवन, जल आदि शब्द। इन सभी शब्दों से किसी अर्थ की स्पष्टता हो रही है और इसी तरह से ये सभी सार्थक शब्द हैं। सार्थक यानी जिनका अर्थ हमें समझ में आता है, जबकि नासो, तहा, लताब आदि शब्द नहीं हैं, क्योंकि इनमें किसी अर्थ की स्पष्टता नहीं हो रही है। अतः एक से अधिक वर्णों के मेल से बना सार्थक समूह जो है शब्द कहलाता है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द और पद, शब्द वर्णों के सार्थक समूह से बनते हैं, जिससे किसी निश्चित अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। जब ये शब्द व्याकरण के नियमों के साथ वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो पद कहलाते हैं। शब्द कौन से हैं? कमल, लाल, फूल। और पद, कमल का फूल लाल होता है। जब पूरी तरह से वाक्य बन जाता है उसको क्या बोलते हैं? पद, कमल का फूल लाल होता है। आगे देखिए, शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत किया गया है। एक तो स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। बस पहला देखिए, उत्पत्ति के आधार पर। जब हम किसी भाषा का अध्ययन करते हैं तो मन में हमेशा जानने की इच्छा होती है कि शब्दों की उत्पत्ति का स्रोत, जन्म क्या है, भी इनका जन्म कहाँ से हुआ है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देश, विदेशी। तत्सम शब्द देखिए, संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि भी ऐसे होते हैं, सूर्य भी, कलम भी, विद्यालय भी। इसी तरह से तद्भव, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो रूप परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, यानी जिनका रूप जो है बदल जाता है। जैसे तत्सम में मुँह बोलते हैं, मुख बोलते हैं, तद्भव में मुँह, और तत्सम में पर्वत, तद्भव में पहाड़ आदि। आगे देशज, जो शब्द भारत की विभिन्न बोलियों और भाषाओं से प्रस्तुति वश और आवश्यकता अनुसार हिंदी में प्रचलित होते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे जो भारत की भाषाओं में बोले जाते हैं, अलग अलग भाषाओं में जो वर्ड हम कई बार घर में यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं देशज शब्द, जैसे झाड़ू, जूता, लकड़ी, पगड़ी आदि। विदेशी शब्द क्या होते हैं? भारत में सैकड़ों साल तक विदेशियों का प्रभाव रहा, जिसके कारण हिंदी भाषा पर भी इसका प्रभाव है। कई बार आपने देखा होगा कि हिंदी में हम इन शब्दों का प्रयोग, इंग्लिश का प्रयोग भी कर जाते हैं। हिंदी भाषा ने चीनी, फारसी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी से अनेक शब्दों को अपने शब्द भंडार में मिला लिया है। जैसे स्टेशन, चाय, चाय, डॉक्टर, सिनेमा आदि। आगे देखिए, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के हैं, जैसे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ में देखिए, परंपरा से चले आ रहे, परंपरा यानी पुराने समय से चले आ रहे ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना निकले, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पेड़, टुकड़े करने पर कुछ पता नहीं लगेगा, वो शब्द वैसे का वैसा ही रहेगा। पेड़, देव, कमल, आदमी। आगे देखिए, यौगिक शब्द। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द यौगिक, यानी जिनको मिला लिया जाता है और जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ अवश्य निकले। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्या का घर। देवालय, देव प्लस आलय, देवता का घर। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकों का घर। आगे योगरूढ़ देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दों के मेल से बना शब्द जिन्हें अलग करने पर एक विशेष अर्थ प्राप्त होता है उसे योगरूढ़ कहते हैं। जैसे पंकज,
पंकज किसको? पंकज कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। दशानन, दशानन किसको बोलते हैं? हम रावण को भी बोलते हैं। गजानन गणेश जी को। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर देखिए, शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, विकारी शब्द, ठीक है। इसी तरह से क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, अविकारी शब्द, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, इनके विषय में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। आगे अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का हमेशा एक ही अर्थ निकलता है उन्हें एकार्थी, जैसे पेड़, पेड़ तो पेड़ ही है, घर, घर भी घर है। अनेकार्थी प्रयोग के आधार के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग अर्थ देने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे जिनके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, अंबर, अंबर को आकाश भी बोलते हैं, ठीक है। उत्तर जवाब भी होता है और दिशा भी होते हैं। पत्र पत्ता भी होता है, चिट्ठी भी, अर्थ मतलब प्रयोजन भी होता है, ठीक है। इसी तरह से ये आपके हो गए अनेकार्थी शब्द, यानी कि जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हों, अलग अलग अर्थ निकलते हों। आगे देखिए पर्यायवाची शब्द, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे फूल, फूल को हम पुष्प भी बोलते हैं, कुसुम भी, सुमन। इच्छा अभिलाषा आकांक्षा कामना। ग्रह घर सदन आलय। क्या मतलब है कि जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, यानी जो इनका अर्थ निकल रहा है उसमें समानता है। इस तरह से सूरज सूर्य, रवि दिनकर, पानी का जल सलील वारी। इच्छा अभिलाषा कामना मनोकामना। मनुष्य मानव नर विलोम शब्द। जो शब्द विपरीत अर्थ या भाव प्रकट करते हैं उन्हें विलोम, यानी कि उल्टे शब्द। इच्छा अनिच्छा, जन्म मरण, उचित अनुचित, आवश्यक अनावश्यक, एक अनेक, निंदा प्रशंसा, आकाश पाताल, मान अपमान। और आगे देखिए वाक्यांश, अनेक शब्दों के स्थान पर अकेले ही प्रयुक्त होने वाले शब्द अनेक शब्दों के साथ एक के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें वाक्यांश शब्द कहते हैं। जैसे चार रास्तों का संगम चुराहा, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार। इसी तरह से जिसका आदि ना हो अनादि, प्रतिदिन होने वाला दैनिक, और एक मास में होने वाला मासिक, नव में घूमने वाला नवचर, दूर की सोचने वाला दूरदर्शी, और इसी तरह से इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक, जो दूसरों के उपकार को माने कृतज्ञ। इसी तरह से श्रुति संभिन्नात् शब्द, इसमें ऐसे शब्द जो सुनने में एक समान लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होते हैं उसे बोलते हैं श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। कुछ ऐसे शब्द जो सुनने में एक समान लेकिन उनका अर्थ जो है अलग अलग होता है उन्हें श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे दीन गरीब, दिन दिवस, चीर वस्त्र, चिर पुराना, कुल वंश, कुल किनारा, और इसी तरह से ग्रह नक्षत्र, गृह घर, बाग बगीचा, दूसरा भाग सिंह, बेल लता, बैल एक पशु का नाम। इसी तरह से बेटे ये सारे आपको शब्द दिए गए हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ जो है समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।